ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी फार्माकोलॉजी पे हमने कुछ क्लास ली है। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन वी विल डिस्कस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन इसका मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ मेडिसन दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एरिथमियाज। ठीक है, एरिथमियाज के अंदर जितने मेडिकेशन या मेडिसन हम यूज करेंगे उसको हम एज अ ग्रुप क्या कहेंगे? एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। लेकिन इससे पहले आपने ये याद रखना है कि व्हाट इज एरिथमियाज फर्स्ट। एरिथमियाज है क्या चीज? नॉर्मली एरिथमियाज का मतलब ये है कि अ कंडीशन इन विच देर इज ए रेगुलर रिदम। जब हार्ट के अंदर इम्पल्स की कंडक्शन है वो क्या हो जाएगी? इरेगुलर हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट या बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? एरिथमियाज कहते हैं। तो आप लोग इसका सिर्फ साइड पे डेफिनेशन लेके, अ कंडीशन इन विच द रिदम ऑफ द हार्ट become irregular, which leads to increase or decrease in heart rate. HR stands for heart rate. मतलब वो condition जिसमें heart के अंदर रिदम ऐसा एबनॉर्मल हो जाए जिसकी वजह से हार्ट रेट या बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उसको हम एरिथमियाज कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मल हार्ट रेट इज इन बिटवीन 60 to 100, कितने से कितना होता है? 60 to 100। लेकिन अगर ऐसा एरिथमियाज जिसके अंदर हार्ट रेट 100 क्रॉस कर जाए उसको हम कहते हैं टेकी एरिथमियाज। कंडीशन इज कॉल्ड टेकी एरिथमियाज। टेकी एरिथमियाज वो कंडीशन है जिसमें रिदम इरेगुलर हो जाए और हार्ट रेट कितने से ज़्यादा हो जाए? 100 से। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एरिथमियाज हो जिसमें हार्ट रेट 60 से कम हो, दैट इज नोन एज अ ब्रेडी एरिथमियाज। तो ये आपने आप लोगों ने माइंड में रखना है, एरिथमियाज के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमेशा हार्ट रेट 100 क्रॉस कर जाओ। नहीं, कभी कभार कुछ एरिथमियाज के अंदर हार्ट रेट 60 से भी कम होता है। So depending upon the heart rate either to increase or decrease in arrhythmias, it is are of two types, tachy arrhythmias and of bradycardic arrhythmias. Lekin jo usual cases hame milte hain hospital mein, they are of tachy arrhythmias. So tachy arrhythmias ke andar hum jo medicine denge uska kaam ye hoga ki heart ke andar jo conduction hai ya heart ki jo rhythm hai ya rate hai usko hum kya kare, kaam kare. So like anti arrhythmic medication we can classify it into the following classes. These medication is classified into four groups. ये हम चार groups में classify करते हैं, ये चार classes में हम classify करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम कहते हैं क्लास वन मेडिकेशन। क्लास वन इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास टू मेडिकेशन, फिर इसके बाद आता है क्लास थ्री एंड आखिर में क्लास फोर मेडिकेशन। इसका मतलब यह है कि एंटी एरिथमिक मेडिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन वी आर क्लासिफाइड दीज इनटू हाउ मेनी क्लासेस? फोर क्लासेस। इसमें से जो सबसे पहला क्लास है जिसको हम क्लास वन कहते हैं, These medicines are called sodium channel blockers. ये sodium channel blocker है। This class is called sodium channel blocker. Sodium channel blocker. अब सब लोगों को पता है कि heart के अंदर action potential होता है और एक्शन पोटेंशियल से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि एक्शन पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ सेल। हमने एक्शन पोटेंशियल कार्डियक सेल की पढ़ी थी कि नहीं? और एक्शन पोटेंशियल का हमारे पास ग्राफ कुछ यूं आता था, इस तरह के ग्राफ आता था।
इसका मतलब ये है कि जब तक एक्शन पोटेंशियल ना हो तब तक हार्ट रेट या इस तरह कंट्रैक्टिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले जब सेल रेस्ट में था उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते थे, लेकिन जब बाहर से हम स्टिमुलस देते थे तो उसमें कौन सा चैनल ओपन होता था? सोडियम। और सोडियम चैनल यूं ही ओपन होता है, सोडियम विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, और इनसाइड सेल सोडियम जितना इंक्रीज होता था द पॉइंट विल गो अप एंड दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो अगर सोडियम ज़्यादा ज़्यादा आ जाए तो डीपोलराइजेशन जल्दी जल्दी आएगा कि बाद बाद में जल्दी जल्दी, तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा, रिदम इरेगुलर होने के भी चांस लोग ज़्यादा होंगे। अगर मैं इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करूँ यहाँ पे तो इस एक्शन पोटेंशियल की जो रिदम है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और हार्ट रेट विद द टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन विच इज एंटी एरिथमिक क्लास वन, दीज ऑल मेडिसिन आर कंसिडर्ड एज सोडियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में जो क्लास वन फैमिली है उसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू थ्री टाइप्स, क्लास वन ए, क्लास वन बी एंड क्लास वन सी। यहाँ पे आप लेके सब डिवीजन क्लास वन ए इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? थ्री। द फर्स्ट वन इज क्लास वन ए, क्लास वन ए। सेकंड इज क्लास वन बी, क्लास वन बी एंड द लास्ट वन इज क्लास वन सी। ये हमारे पास जो है ना तीन क्लासेस है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेडिकेशन क्लास वन में आते हैं, कौन कौन से क्लास बी में आते हैं और कौन कौन से क्लास सी में आता है। इस क्लास वन फैमिली के अंदर जो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है ना उनमें से पहला है क्विनिडीन। कौन सा? क्विनिडीन। क्विनिडीन इज अ एंटी एरिथमिक ड्रग विच इज प्रेजेंट इन क्लास वन ए फैमिली, नंबर वन। अब क्विनिडीन के बारे में एमसीक्यू इसलिए आता है, दिस क्विनिडीन इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। ये किसके अंदर यूज होता है? मलेरिया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एक एंटी मलेरियल बताए जो हम इज एंटी एरिथमिक क्लास वन ए भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अ क्विनिडीन, वो क्विनिडीन है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड इज अ वेरी पॉपुलर ड्रग, ये तो आपने नाम सुना होगा। इट इज अ वेरी पॉपुलर ड्रग बिकॉज इट कैन कॉज एसएलई लाइक सिम्टम, ये बटरफ्लाई रेश कराता है। तो अगर एक बंदा है वो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन ले रहा है और उसको इज अ साइड इफेक्ट बटरफ्लाई रेश हो गया, द ड्रग रिस्पॉन्सिबल विल बी प्रोकेनामाइड। और इसके अंदर एक और भी आता है डाइसोपायरामाइड। डाइसोपायरामाइड This is not that much commonly used, but you should know the agent which is present in class 1A family. ये जो है ना ये तीन ड्रग, ये इज एंटी एरिथमिक मेडिकेशन हम देंगे और ये तीनों के तीन कहाँ पे यूज होता है? शाबाश, दैट इज अ क्लास 1A family. अब देखें इसके बारे में MCQs ये है कि ऐसा एंटी मलेरियल बताए जो हम इज एंटी एरिथमिक भी दे सकते हैं। आंसर इज क्विनिडीन, ये आगे हम लिखेंगे। ऐसा ड्रग बताए एंटी एरिथमिक विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ एसएलई लाइक सिम्टम, आंसर इज प्रोकेनामाइड। और ऐसा एंटी एरिथमिक बताए जिससे एज अ साइड इफेक्ट हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, इट इज अ डाइसोपायरामाइड। डाइसोपायरामाइड इज अ एंटी एरिथमिक मेडिकेशन विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। अब चलते हैं जनाब क्लास वन बी की तरफ। क्लास वन बी के अंदर भी तीन मेडिकेशन आती है। नंबर वन इज लाइडोकेन, इनमें से पहले क्या आता है? लाइडोकेन। लाइडोकेन इज आल्सो नोन एज लिग्नोकेन, इसको हम ज़ाइलोकेन भी कहते हैं। वैसे कहाँ पे यूज होता है? लाइडोकेन इज अ मेडिसिन यूज्ड फॉर लोकल एनेस्थीसिया, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? लोकल एनेस्थीसिया। अगर आप यहाँ पे जनाब एक एरिया को एनेस्थेटाइज करते हैं तो हम एक मेडिसिन यूज करेंगे विच इज नोन एज लाइडोकेन। सो लाइडोकेन वो मेडिसिन है जो एनेस्थीसिया के लिए हम यूज करते हैं। नंबर टू इसके अंदर आता है मैक्सिलिटीन। मैक्सिलिटीन इज अ ड्रग विच इज प्रेजेंट इन क्लास वन बी फैमिली। और इसके अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ड्रग इज फेनिटोइन। इसके अंदर क्या आता है? फेनिटोइन। ठीक है, तो ये तीन मेडिसिन आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, आप यार लेट आ गए, इधर देखें अभी हमने स्टार्ट की है। ये वो मेडिसिन आज हम पढ़ते हैं जो हम एरिथमियास में यूज करते हैं।
the group of medicine used to treat arrhythmias are called anti-arrhythmic medication. Anti-arrhythmic medication, हमारे पास चार classes में हम divide करते हैं, class 1, class 2, class 3 and class 4. लेकिन जो class 1 family है उसको हम further किस में divide करते हैं, तीन में, class 1 A में, class 1 B में, class 1 C में. तो class 1 A के अंदर ये तीन drug है, quinidine, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड, ठीक है, और क्लास 1 बी के अंदर लाइडोकेन, मैक्सिलिटिन एंड पेरिटोइन. ये क्विनिडीन एक ऐसा ड्रग है ना जो हम एरिथमियास को ट्रीट करने में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रग हम मलेरिया पेशेंट में भी यूज करते हैं. तो एमसीक्यूज ये आता है कि ऐसा ड्रग का नाम बताए जो एरिथमियास में भी यूज होता है, मलेरिया में भी यूज होता है. आंसर इज क्विनिडीन. ठीक है, ऐसा ड्रग बताए जिससे यहाँ पे बटरफ्लाई रेश आ सकता हो, एसएलई लाइक सिम्टम. आंसर इज प्रोकेनामाइड. और ऐसा ड्रग बताए जिससे हार्ट फेलियर के चांस बढ़ सकते हो, आंसर इज डाइसोपायरामाइड. ये तीन याद रख लेने हैं. फिर क्लास 1 बी की तरफ आते हैं, तो इनमें से ऐसा ड्रग बताए जो हम लोकल एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं और एंटीरिथमिक भी. आंसर इज लाइडोकेन. और दिस इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, क्योंकि फेनिटोइन इज अ एंटी सीजर ड्रग, ये सीजर में हम यूज करते हैं, लेकिन इट इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर. तो सोडियम चैनल ब्लॉकर की वजह से ये हम किस फैमिली में भी रखते हैं, क्लास 1 बी में भी रखते हैं. अब आते हैं क्लास 1 सी की तरफ. क्लास 1 सी के अंदर कौन कौन सी ड्रग है. नंबर 1 इज फ्लेकिनाइड या फ्लेसिनाइड भी लोग उसको कहते हैं, और लास्ट इज प्रोपाफिनोन. ये दो ड्रग आपने याद रखने हैं. तो ये यहाँ तक जो हमने एमसीक्यूज बताए हैं ना, इन सब का जितने भी हम क्लास 1, क्लास 1 बी, क्लास 1 सी, ये सारे के सारे क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है. तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगी, हार्ट के अंदर ये सोडियम चैनल को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे. देखिए, जब ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, सोडियम चैनल को, तो फिर सोडियम आहिस्ता आहिस्ता आएगा, तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल को होने में टाइम लगेगा कि नहीं. और जब इसकी रेट हम कम करेंगे तो इससे हम रेगुलर को क्या कर सकते हैं, रिदम को नॉर्मल कर सकते हैं. तो दीज आर ड्रग्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर विच विल डील द एक्शन पोटेंशियल. और सोडियम चैनल जब ओपन हो जाए और बाहर से सोडियम आ जाए एक्शन पोटेंशियल में, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड डी पोलराइजेशन. इस स्टेप को हम क्या कहते थे, डी पोलराइजेशन. तो ये ड्रग जितने भी है ना, दे आर डूइंग विद डी पोलराइजेशन स्टेप इन द एक्शन पोटेंशियल. और जितना एक्शन पोटेंशियल के अंदर हम डीपोलराइजेशन को कम करेंगे, उतना जो एक्टिविटी है या रिदम है वो रेगुलर होने के ज्यादा चांसेस हैं. अब आते हैं इसकी जनाब एडवर्स इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट. एडवर्स इफेक्ट सब की जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को मेनली वही लिखता हूँ. अगर एक पेशेंट है वो जनाब एक ड्रग ले रहा है, और ड्रग लेने के साथ साथ उसको दो चीजें हो गए. नंबर 1 इज हेडेक. अ पेशेंट इज टेकिंग एंटी एरिथमिक मेडिकेशन विच कंप्लेंट. एक बंदा है वो हेडेक के साथ आया है, ठीक है, प्लस टीनाइटस. किसके साथ, टीनाइटस. व्हाट इज टीनाइटस, रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर. कभी कभार इंसान कहता है कि मेरी कान में सीटी की आवाज आती है, या कभी कभी इंसान कहता है कि मेरे कान के अंदर इस तरह लग रहा है कि जिस तरह शोर है. इसको हम क्या कहते हैं, टीनाइटस. टीनाइटस का मतलब ये है कि विस्लिंग साउंड, विसल मीन जो हम फॉर एग्जांपल या रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर, दैट इज नोन एज टीनाइटस. तो अगर एक बंदा है वो जनाब एरिथमियास का पेशेंट है, पेपर में इस तरह आएगा, अ पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, इस तरह, लेटर ईसीजी वर डन एंड द रेगुलर द रिदम इज इरेगुलर, द पेशेंट डायग्नोस फॉर एट्रियल एरिथमिया या वेंट्रिकुलर एरिथमिया. Now the patient is receiving a medicine to treat that arrhythmias, but the medicine is a side effect. The patient complained headache and of tinnitus. तो अगर anti-arrhythmic medication में एक बंदा जो है ना headache और side effect के साथ आ जाए tinnitus, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, synchronism. इन दोनों को हम क्या कहते हैं, synchronism. ये MCQs है. What is synchronism? It is the combination of headache and of masood. What? Answer is tinnitus. Headache or tinnitus, dono ko ikattha hum kya kehte hain, synchronism. Or synchronism is a side effect of
विच एंटी एरिथमिक मेडिकेशन? आंसर इज क्विनिडीन. ये किसका है? क्विनिडीन. अब मैं दो बंदे हैं, दोनों को एरिथमियाज है और हम दोनों को मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन एक बंदे को मैंने क्विनिडीन दी है और एक बंदे को मैंने प्रोकेनामाइड दी है, तो चांस सिर्फ ये होगा कि जो बंदा क्विनिडीन लेगा उसको हेडेक और टीनिटस के चांसेस होंगे, लेकिन प्रोकेनामाइड का ये साइड इफेक्ट तो नहीं है. सो दिस साइड इफेक्ट इज फॉर ऑल और इट इज स्पेसिफिक फॉर क्विनिडीन, ये स्पेसिफिक है. तो ऐसा बंदा जो क्विनिडीन लेगा उसको एज अ साइड इफेक्ट सिंकोनिज्म के चांसेस ज्यादा होंगे. अगर एग्जामिनर, मैंने जो पेपर दिया था, मैंने खुद पीएमडीसी, तो उसमें जनाब ये क्वेश्चन था कि सिंकोनिज्म इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन. आंसर इज क्विनिडीन. बस आसान. कुछ एग्जामिनर आप लोगों से थोड़ा सा हटकर जो है ना पूछते हैं, एक पेशेंट है वो एरिथमियास का मेडिकेशन ले रहा था, लेकिन उस मेडिसिन की वजह से उसको हेडेक और टीनिटस हुआ है, तो वो कौन सा मेडिसिन ले रहा है? क्विनिडीन. तो आप लोग इस सिंकोनिज्म के सामने ब्रैकेट में लिखें कि दिस इज क्विनिडीन साइड इफेक्ट. और महसूद ये याद रखें, क्विनिडीन एक ऐसा मेडिसिन है जिसको हम मलेरिया में भी यूज कर सकते हैं. तो ऐसा एंटी मलेरियल बताए जिसका साइड इफेक्ट सिंकोनिज्म है, क्विनिडीन. और ऐसा एंटी एरिथमिक बताए जिसका साइड इफेक्ट सिंकोनिज्म है, क्विनिडीन है. तो अगर दोनों दो पेशेंट है, एक मलेरिया का बंदा है और एक एरिथमिया का बंदा है, और हमने दोनों को क्या दिया है? क्विनिडीन. तो दोनों के अंदर हेडेक और टीनिटस के चांसेस हो सकते हैं. सिंकोनिज्म इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेडेक प्लस टीनिटस व्हिच इज द प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिडीन. नेक्स्ट नीचे लेके कि कुछ एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है जिसमें यहाँ पे बटरफ्लाई जैसा रैश बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं. यहाँ पे लेके बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस, बटरफ्लाई रैश ऑन फेस, मतलब चेहरे के ऊपर इस तरह रेडिश बटरफ्लाई रैश, ये जब भी आ जाए इस बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस को हम क्या कहते हैं? SLE लाइक सिम्टम. SLE इज अ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस व्हिच इज अ मल्टी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज. SLE हो क्या है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है. इसके अंदर जब हम पेशेंट को सामने से देखते हैं, उस यहाँ पे एक रेड रेश बनती है जिस तरह के बटरफ्लाई, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा रेश बनती है. ऐसा बंदा जिसकी फेस पे बटरफ्लाई जैसा रेड रेश हो, तो हम कहते हैं कि इस बंदे में क्या है? SLE है. और SLE इज अ मल्टी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज. अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा है वो SLE का नहीं है, लेकिन उसको देखने पर इस तरह लग रहा है कि उसमें SLE जैसे सिम्टम है, और वो कोई एंटी एरिथमिक मेडिकेशन ले रहा हो, दिस विल बी प्रोकेनामाइड. ये भी एमसीक्यूज है, प्रोकेनामाइड. सो प्रोकेनामाइड इज अ ड्रग व्हिच कैन कॉज व्हाट? आंसर इज SLE लाइक सिम्टम. अब आप लोग कहोगे कि पीएमडीसी एग्जाम में, पीएमडीसी हो, यूएचएस एग्जाम हो, प्लेब एग्जाम हो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है. देखे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा एंटी एरिथमिक बताए जिससे पेशेंट को सिंकोनिज्म हो सकता है. आंसर इज क्विनिडीन. सिंकोनिज्म इज अ साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिडीन. ऐसा एंटी एरिथमिक मेडिकेशन बताए जिससे पेशेंट को बटरफ्लाई रैश या SLE लाइक सिम्टम आ सकते हैं. आंसर इज प्रोकेनामाइड. अब ऐसा पेशेंट बताए कि वो एरिथमियास की ट्रीटमेंट ले रहा था, मेडिसिन रिसीव कर रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उसको हार्ट फेलियर हो गया. सो द मेडिसिन रिस्पॉन्सिबल टू कॉज हार्ट फेलियर इन एरिथमिया पेशेंट. आंसर इज डायसोपायरामाइड. यहाँ पे नीचे नेक्स्ट साइड इफेक्ट लेके थर्ड नंबर, दैट इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज नॉट पंप सो मच विच फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी. तो हार्ट फेलियर विल बी द क्लिनिकल साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग? मसूद, डायसोपायरामाइड. डायसोपायरामाइड, बस ये याद रखे. तो क्वेश्चन ये है, इन तीनों में से जो क्वेश्चन आता है बहुत कॉमनली एमसीक्यूज क्वेश्चन, दैट इज जस्ट फॉर टू. एक सिंकोनिज्म का क्वेश्चन आता है और एक प्रोकेनामाइड. सो दिस फर्स्ट विल बी द स्टार क्वेश्चन एंड सेकंड, ये दोनों आप लोगों ने याद रख लेने हैं. अब आते हैं क्लास वन बी की तरफ कि क्लास वन बी के अंदर हमारे पास कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं. इसका साइड इफेक्ट जनाब मतलब सेम है. नंबर वन देखे, ये सारे के सारे सोडियम चैनल क्या है? ब्लॉकर है. लेकिन पेनिटोइन वो सोडियम भी ब्लॉक कर सकते हैं जो कहाँ पे काम करते हैं? ब्रेन के अंदर. अगर ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें पेनिटोइन,
तो ब्रेन के अंदर जो सोडियम हम ज्यादा ब्लॉक करेंगे, एक्साइटेशन होगी कि डिप्रेशन, डिप्रेशन। तो फेनिट्रोइन की वजह से इसके साथ क्या हो सकता है, सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेशन। और ये सारे के सारे हार्ट स्पेशली हम कहाँ के लिए देते हैं, ये सारे के सारे मेडिसन हम इसलिए देते हैं ताकि जाकर कहाँ पे काम करे, हार्ट पे काम करे। तो हार्ट पे काम करने की वजह से ये कार्डियक डिप्रेशन भी कर सकता है, बिकॉज दीज आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। और अगर सोडियम को हम ब्लॉक करें फिर डीपोलराइजेशन नहीं होगी एंड द हार्ट सेल विल बी डिप्रेस और सीएनएस विल बी डिप्रेस। लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन ये लिखे, एमसीक्यूज क्वेश्चन इसका ये है कि अगर एक पेशेंट है उसको पहले से एक अटैक हुआ था एमआई, एमआई स्टैंड फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पेपर में इस तरह का कि एक पेशेंट है जनाब, वो इमरजेंसी में लाया गया, उसके साथ फैमिली मेम्बर है या दोस्त है, लेकिन ये है कि इस पेशेंट की अब एरिथमियाज हैं, इसकी जो रिदम है हार्ट की वो क्या है, इरेगुलर है, एरिथमियाज है। लेकिन इस बंदे को पहले भी एक किस चीज़ की अटैक हुई थी, एमआई। एमआई की अटैक की वजह, एमआई की अटैक अगर पहली दफ़ा एक दफ़ा हुई है और उसके बाद पेशेंट को क्या हुआ है, एरिथमियाज, उसके अंदर जो बेस्ट मेडिकेशन है दैट इज क्लास वन बी। तो कहते हैं कि क्लास वन बी इज द बेस्ट मेडिसन टू ट्रीट एरिथमियाज आफ्टर एमआई। इसका जो नोट है ना वो ये याद रखे, देखिए हम कहते हैं कि ये कौन सा फैमिली है, वन ए है कि वन बी, वन बी ये क्लास वन बी है, ठीक है। क्लास वन बी इज बी, बी मीन बेस्ट फॉर आफ्टर एमआई और बिफोर एमआई, आफ्टर पोस्ट एमआई। पोस्ट एमआई का मतलब ये है अगर पहले से बंदे को एक एमआई अटैक हो चुका हो और उस एम आई अटैक के बाद उसको साल बाद, दो महीने बाद एरिथमियाज आ गए, तो याद रखें कि एम आई अटैक के बाद एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए द बेस्ट मेडिकेशन इज क्लास वन बी। सो बी के अंदर लाइडोकेन भी आता है, मेक्सिलिटिन भी आता है और फेनिट्रोइन भी आता है। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने थोड़ा सा केयर करना है कि इस तरह के क्वेश्चन वो लोग देते हैं कि एक पेशेंट है उसको एरिथमियाज हुए हैं, उस एरिथमियाज से पहले एक बंदे को दो साल पहले क्या हुआ था, एम आई। तो अब इस एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए जो बेस्ट मेडिकेशन है वो किस ग्रुप की है, आंसर इज क्लास वन बी, ये क्लास वन बी की है। ओके, क्लास वन सी के बारे में जो क्वेश्चन आता है ना, इसके नीचे सिर्फ लिखे नोट क्लास वन सी, के क्लास वन सी, वन सी इज सी, सी मीन कंट्रा इंडिकेटेड, एमसीक्यूज है, कंट्रा इंडिकेटेड इन पोस्ट एम आई, ये एमसीक्यूज है। कहते हैं कि क्लास वन सी वो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है कि ये हम एम आई पेशेंट में या जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, एम आई तब होगी व्हेन देयर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम की डिक्रीज ब्लड सप्लाई इसको हम एंजाइना भी कहते हैं या इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। तो पहले से याद रखें कि जिस बंदे को ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या हो, कम हो, और वो इतना कम हो जिसपे मायोकार्डियल की सेल डेथ हो जाए, तो याद रख, उसके बाद अगर एरिथमियाज आ जाए तो विच क्लास फैमिली ड्रग विल बी कंट्राइंडिकेट, क्लास वन सी। तो इतना आसान नहीं देंगे, उनमें से एक ड्रग देंगे, इस तरह क्वेश्चन याद रखें। फॉर एग्जांपल आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन दिया है, एक पेशेंट है उसको पहले से जनाब एमआई का एक अटैक हुआ था और एमआई अटैक के बाद उसको अब क्या हो चुके हैं, एरिथमियाज। उस व्हाट इज विल बी द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट दैट एरिथमिया, बेस्ट नंबर वन इज फेनिट्रोइन, नंबर टू इज फ्लेकानाइड या फ्लेसिनाइड, नंबर सी इज क्विनिडीन, डी मीन नन, व्हिच वन। एक बंदा है उसको एमआई अटैक हुआ था, एमआई अटैक के बाद अब उसको क्या हो चुके हैं, एरिथमियाज। अब उस एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आंसर इज क्लास वन ए, क्लास वन बी और क्लास वन सी, क्लास वन बी एंड दिस इज द एजेंट फ्रॉम क्लास वन बी, इस तरह क्वेश्चन आता है। अब सेम क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि एक पेशेंट है उसको पहले एम आई हुआ था, अब उसको क्या हो चुके हैं, एरिथमियाज। विच फैमिली ऑफ द ड्रग इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन या कंट्रा इंडिकेटेड, आंसर इज फ्लेकेनाइड, इट इज क्लास वन सी। तो ये क्वेश्चन आप लोग कब कर सकोगे, व्हेन यू पीपल नो विच ड्रग्स आर फॉल इन विच कैटेगरीज। आप लोगों को ये रटना होगा, ये ड्रग्स के नाम रटना होंगे कि आप लोगों को ये पता हो
कि क्लास वन ए के अंदर कौन सी मेडिसिन है, क्लास वन बी के अंदर कौन सी है और क्लास वन सी के अंदर कौन सी है। क्लियर है? तो अब सुन ले, हार्ट के अंदर जो रेट है ना, हार्ट रेट, इट शुड बी 60 to 100। हार्ट रेट ना 60 से कम होना चाहिए ना 100 से ज्यादा होना चाहिए। हार्ट के अंदर जो इम्पल्स कंडक्शन है वो एक रेगुलर रिदम के साथ जा रही होती है, लेकिन जब हार्ट के अंदर जो इम्पल्स कंडक्शन की रेगुलरिटी है अगर वो क्या हो जाए, इरेगुलर, तो इरेगुलर रिदम इन द हार्ट इज कॉल्ड एरिथमिया। उस इरेगुलर रिदम की वजह से हार्ट का रेट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, हार्ट का रेट बहुत कम भी हो सकता है। अब एरिथमिया के अंदर मेजॉरिटी केसेस में हार्ट की जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने ये कोशिश करना है कि हम ऐसे मेडिसिन देंगे जिस पे हम हार्ट की जो रेट है या हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या रिदम है उसको क्या कर सके, काम कर सके। मैंने पहले ये बात की थी एक्शन पोटेंशियल में कि जितने भी सेल है उसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है और सेल से बाहर सोडियम ज़्यादा होते हैं। अगर हम सेल को स्टिमुलस देंगे तो उसमें कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम, और सोडियम ज़्यादा बाहर होने की वजह से अंदर की तरफ आना शुरू कर देंगे, और जब वो इस तरह अंदर आएंगे, सोडियम अंदर आएंगे, सेल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव एंड इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। एरिथमिया पेशेंट में हम ऐसे ड्रग देंगे अगर हम हार्ट की एक्टिविटी को कम करना चाहे या ताकि किस चैनल को ओपन ब्लॉक करें, सोडियम। तो क्लास वन के अंदर जितनी भी ड्रग है दीज ऑल आर नोन एज सोडियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन क्लास वन की फैमिली ड्रग को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कितनी कैटेगरी में, तीन में, जिनमें से पहले को हम कहते हैं क्लास वन ए, क्लास वन बी एंड ऑफ क्लास वन सी। ये आप लोगों ने फिर याद रख लेना है कि क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, दीज ड्रग्स आर प्रेजेंट इन क्लास वन ए, लाइडोकेन विच इज आल्सो नोन एज ज़ाइलोकेन, मैग्जिलिटिन एंड फेनिटोइन विच इज प्रेजेंट इन क्लास वन बी, और क्लास वन सी में फ्लेकिनाइड एंड प्रोपाफिनोन। ऐसा ड्रग बताए एरिथमिया पेशेंट में जो साइड इफेक्ट में सिंकोनिज्म करा सकता है। आंसर इज क्विनिडीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज बटरफ्लाई रैश लाइक एसली इज एंटी एरिथमिक मेडिकेशन, प्रोकेनामाइड। और ऐसा ड्रग बताए जिससे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं, डायसोपायरामाइड। ऐसा ड्रग बताए जो एंटी मलेरियल भी है लेकिन एंटी रिथमिक भी है, क्विनिडीन। ऐसा ड्रग का नाम बताए जो हम सीजर में भी यूज कर सकते हैं, एरिथमियाज में भी। आंसर इज फेनिटोइन। विच ड्रग आर बेस्ट फॉर एरिथमियाज आफ्टर पोस्ट एमआई क्लास वन बी, एंड विच ग्रुप ऑफ मेडिकेशन विल कॉन्ट्राइंडिकेट इन एरिथमिया इफ द पेशेंट हैव प्रीवियस अटैक ऑफ एमआई। आंसर इज क्लास वन सी। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो है ना ये याद रख लेने हैं। इनमें से ज़रूर जनाब वो आप लोगों को इनडायरेक्टली जो है ना वो क्वेश्चन देंगे, और उस क्वेश्चन की बेस पे जो है ना मेन जो आप लोगों ने फोकस करना है उस पे हमने आगे एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हार्ट के अंदर एरिथमियाज में जो रेट है ना वो यूजुअली क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हार्ट पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड बीटा वन रिसेप्टर। तो हार्ट रेट कम करने का एक तरीका ये भी है कि हम बीटा रिसेप्टर को क्या करें, ब्लॉक करें। तो क्लास टू जो अब हम पढ़ेंगे ना दोज विल बी बीटा ब्लॉकर्स। वो क्या होंगे, बीटा। क्लास वन फैमिली वाज सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लास टू। तो क्लास टू ग्रुप विल बी बीटा ब्लॉकर्स। अब हेडिंग देंगे नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्लास टू मेडिकेशन। क्लास टू मेडिकेशन आर नोन एज इज अ ग्रुप बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। इसके एजेंट्स देखें कि बीटा ब्लॉकर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। नंबर वन इज मीटोप्रोलोल। इसके अंदर जो फर्स्ट ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड मीटोप्रोलोल। नेक्स्ट इज प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल को ब्रांड नेम इंड्राल मिलो कहते हैं। ये 10 mg 40 mg में आता है। इसमें नेक्स्ट आता है इस्मोलोल। इस्मोलोल इस्मोलोल नेक्स्ट इज
our video lol. And last is Timo lol. Jitne bhi all ke family hai na all, these are considered as beta blockers. You know, in the heart there is beta 1 receptors. अगर फॉर एग्जाम्पल हम इन ड्रग्स को यूज करें, उससे हम बीटा एक्टिविटी को क्या करें, डिक्रीज या ब्लॉक करें, तो ऐसे नोड और ए वी नोडल कंडक्शन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. सो दिस ड्रग कैन लीड्स टू डिक्रीज एस ए एंड ए वी नोडल एक्टिविटी, और जब वो कम हो जाएगी तो उससे हार्ट रेट भी कम होगा और इससे जनाब एरिथमियाज को हम क्या कर सकेंगे, ट्रीट कर सकेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट यहाँ पे लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हेयर लेके, दीज एजेंट्स can suppress or decrease SA nodal and AV nodal activity. SA nodal and AV nodal activity. अगर हम SA node और AV node की activity को suppress करें या कम करें, इससे overall heart rate भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. और फिर एरिथमियास को हम आसानी से क्या कर सकेंगे, ट्रीट कर सकेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर आउट ऑफ दीज आर इज अ वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर. आंसर इज एस्मोलोल. इन सब में से जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है वो क्या है, एस्मोलोल है. विच बीटा ब्लॉकर इज शॉर्ट एक्टिंग. मसूद आंसर क्या है, इन सब में से वो बीटा ब्लॉकर जो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, दैट इज एस्मोलोल. इसको हम एस्मोलोल कहते हैं. अब मुझे बताएं, इसमें एस है, इसमें है, इसमें, इसमें है, सिर्फ एस अगर पाया जाता है, एस पर शॉर्ट एक्टिंग याद रखें. तो ऐसा बीटा ब्लॉकर बताए जो शॉर्ट एक्टिंग हो, उसको क्या कहते हैं, एस्मोलोल. अब आप लोग कहोगे कि इतना आसान एमसीक्यूज वो कैसे पूछते हैं, बहुत ट्रिक के साथ. अगर हम एक बंदे को सर्जरी के लिए बुलाए ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन उस बंदे की ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, या इसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही हो, या उससे ब्लीडिंग हो रही हो, या इसकी सीबीसी पे एचबी कम हो, इन कंडीशन में हम ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं. ऑपरेशन तब तक नहीं कर सकते, सर्जरी तब तक नहीं कर सकते जब तक हम पेशेंट को स्टेबल ना करें. क्योंकि अगर पेशेंट की ब्लड प्रेशर हाई है, वाइटल साइन स्टेबल नहीं है, उस हालत में हम ब्लड सर्जरी नहीं कर सकते. अब अगर एक बंदा है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और उसका हार्ट रेट भी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन उसकी सर्जरी भी करनी है वरना बंदे की डेथ चांसेस तो ज़्यादा है, तो हम ऐसा ड्रग देंगे सर्जरी से पहले ताकि उसकी हार्ट रेट हम क्या करें, कम करें, ताकि बंदा स्टेबल भी हो जाए और वो सर्जरी के लिए फिट भी हो जाए. तो ऑपरेशन से जस्ट 5-6 मिनट पहले हम ऐसा ड्रग देंगे ताकि जल्दी भी काम करे और कम टाइम तक भी काम करे. सो टू डिक्रीज द हार्ट रेट बिफोर द सर्जरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर शुड बी द चॉइस. आंसर इज एस्मोलोल, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, इसके हम सीक्वेंस कराता है. तो अगर सर्जरी से पहले हमने हार्ट रेट को कम करना है, बीपी को कम करना है, और हमने 5-6 मिनट के अंदर क्या करना है, 2-3 मिनट के अंदर सब कुछ अचीव करना है, तो हम इज अ शॉर्ट एक्टिंग कौन सा बीटा ब्लॉकर देंगे, आंसर इज एस्मोलोल देंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इसकी साइड इफेक्ट ओवरऑल सबकी साइड इफेक्ट, बीटा ब्लॉकर इंक्रीज द रिस्क ऑफ एम्पोटेंस. ये क्या कराता है, एम्पोटेंस. एम्पोटेंस का मतलब ये है डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्सुअल डिजायर ये क्या कर देता है, काम कर देता है. बीटा ब्लॉकर ये है कि इट कैन एक्सासर्बेट सीओपीडी, एक्सासर्बेट COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज. COPD के अंदर ब्रोंको क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन. कि COPD पेशेंट अगर पहले से हमें मिले, उसकी ब्रोंकस में अगर हम देखें, इट इज ऑलरेडी लीड्स टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. COPD पेशेंट ले ले, आस्थमा पेशेंट ले ले, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस. तो आस्थमा पेशेंट में, COPD पेशेंट में ब्रोंकस की क्या हो चुकी होती है, जाम, कंस्ट्रिक्शन, पहले से कंस्ट्रिक्शन, इसलिए इन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है. लेकिन ब्रोंकस के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बीटा 2 रिसेप्टर. कौन सा रिसेप्टर, बीटा 2. अब इस बीटा 2 को देखें, प्लस का मतलब क्या है, अगर इसको हम एक्टिवेट करें
इट विल कॉज डायलेशन, ये ब्रूम को क्या करेगा, डायलेशन। और अगर इसको हम कंस्ट्रिक्ट करें तो ये क्या करेगा, माइनस मीन ऑब्स्ट्रक्ट करे तो कंस्ट्रिक्शन। लेकिन है ना ये इधर देखें, जो सांस फिनाली है ना ब्रोंकस, ट्रेकिया है, ट्रेकिया से लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस निकलते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था। COPD ले ले, ये आस्थमा पेशेंट जिसको हम दमे का मरीज कहते हैं। इन दोनों मरीजों में पहले से जो सांस की नाली है ना वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन उस सांस की नाली के ऊपर हमारे पास जो रिसेप्टर है उसको क्या कहते हैं, बीटा 2। अगर मैं एक ऐसा मेडिसिन दे दूं जिसपे मैं बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करूं, इससे सांस की नाली खुल जाएगी, डायलेशन, तो सांस लेने में दुश्वारी क्या हो जाएगी, खत्म। लेकिन अगर हम उस रिसेप्टर को ब्लॉक करें, माइनस करें, तो ये मजीद क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और पेशेंट की मजीद सिम्टम क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इस तरह है ना। क्वेश्चन ये है, इनमें से कुछ ड्रग ऐसे है, अब देखे बीटा 1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द हार्ट बट बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रोंकस। नाउ हमारा अब हार्ट के साथ लेन देन है या ब्रोंकस के साथ, हार्ट के साथ, क्योंकि हम एरिथमियास को डील करते हैं ना, एरिथमियास को काम करते हैं। तो हमने सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे देना है, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव जो कहाँ पे सिर्फ काम करे, हार्ट पे। अगर मैं एक ऐसा ड्रग दे दूं इस तरह के प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ये बीटा 1 भी ब्लॉक कर सकता है और बीटा 2 भी। ये ड्रग अगर मैं दे दूं एरिथमियास पेशेंट में, ठीक है हार्ट रेट तो कम हो जाएगा, लेकिन ये बीटा 2 को भी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, तो फर्दर ब्रों को क्या होगी, कंस्ट्रिक्शन, और COPD पेशेंट की जो सिम्टम है वो मजीद खराब कर खराब हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एक्सासर्बेशन ऑफ COPD। नाउ क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर विल एक्सासर्बेट COPD सिम्टम इफ इट इज यूज, आंसर इज प्रोप्रानोलोल। ये क्वेश्चन याद रखें, कभी कभार हम एग्जाम में बैठने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, तो खौफ की वजह से, टेंशन की वजह से हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या इंसान को कल अगर एक बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना है या तकरीर करना है, उधर जाने से पहले भी हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उन कंडीशन में हम सुबह सवेरे एंड्राल लेते हैं। एंड्राल इसलिए लेते हैं ताकि उस दिन हमारा हार्ट रेट क्या रहे, कम रहे, ताकि हम पे टेंशन वगैरह ना आए। नाउ एंड्राल बहुत कॉमन यूज ड्रग है, PMDC की सुबह भी बहुत से लोग लेते हैं। लेकिन ये याद रखे एंड्राल का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्रानोलोल। अगर क्वेश्चन ये है प्रोप्रानोलोल, अब क्वेश्चन ये है अगर ये एंड्राल हम ऐसे बंदे को दे टेंशन को कम करने के लिए जिसको पहले से क्या हो, COPD, तो उसकी हार्ट रेट तो कम हो जाएगी लेकिन इसकी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मजीद बढ़ जाएगी, जिससे बंदे के डेथ चांसेस तो ज्यादा होती है। तो याद रखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर इज हाईली कंट्रा इंडिकेट इन आस्थमा और COPD पेशेंट, आंसर इज प्रोप्रानोलोल। क्योंकि प्रोप्रानोलोल न कि सिर्फ बीटा 1 पे काम करती है बट इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन बीटा 2, और बीटा 2 को ब्लॉक करने की वजह से क्या हो सकता है, एक्सासर्बेशन ऑफ COPD एंड आस्थमा पेशेंट। नेक्स्ट देखें, ये जनाब बीटा ब्लॉकर ये कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन करा सकती है, क्योंकि अगर हम बीटा ब्लॉकर ज्यादा यूज करेंगे द हार्ट रेट विल बी डिक्रीज टू मच दैट इट कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। बीटा ब्लॉकर का मतलब क्या है, हार्ट रेट को बढ़ाना या कम करना, कम करना। अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे हार्ट रेट इतना कम हो जाएगा कि ऑल द सिस्टम विल बी डिप्रेस, तो यह कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन करता है। तो इस डिप्रेशन की वजह से जो AV नोड के अंदर इम्पल्स डिले होता था, आया वो आगे जा सकेगा, नो, तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ AV ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक करा सकता है। और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन की वजह से हार्ट इतना कंट्रैक्ट नहीं करेगा जिस पर वो बॉडी की डिमांड को पूरी करे, तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। तो अगर पहले से एक बंदे को हार्ट ब्लॉक है या हार्ट फेलियर है तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर दे सकेंगे, नो, बीटा ब्लॉकर इटसेल्फ इंक्रीज द रिस्क ऑफ AV ब्लॉक एंड हार्ट फेलियर, देयरफॉर बीटा ब्लॉकर शुड बी कॉन्शियसली यूज आर कंट्रा इंडिकेट इन केस ऑफ AV ब्लॉक एंड हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर में जनाब यूज नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन ये है बीटा ब्लॉकर यूज करने की वजह से द पेशेंट डिवेलप dyslipidemia, this is the MCQ's question. Dyslipidemia mean कि the lipid level या the lipid profile become abnormal. हमारे बॉडी का अपना HDL level है, LDL level है, HDL, LDL, cholesterol, these are all are considered as lipids. तो अगर एक बंदा है वो बीटा ब्लॉकर ले रहा था, अब उसने टेस्ट किया है और उसकी सारी लिपिड प्रोफाइल क्या है, abnormal है,
as a beta blocker which decrease the deranged the lipid profile in the blood, they are known as metoprolol. ये MCQ आता है, कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो डिसलिपिडीमिया करा सकता है? आंसर इज मेटोप्रोलोल. ऑल बीटा ब्लॉकर नहीं, सेलेक्टिव जो नॉर्मल है, क्योंकि ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन में आता है. बात समझ आ गई कि नहीं? फिर बता रहा हूँ, एक बंदा है उसको हमने ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसको एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर देना है. आंसर इज एस्मोलोल. वो कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो डिसलिपिडीमिया करा सकता है? आंसर इज मेटोप्रोलोल. ऐसा बीटा ब्लॉकर जो आस्थमा सीओपीडी की सिम्टम को मजीद वर्सन कर सकता है, प्रोप्रानोलोल. वो प्रोप्रानोलोल है. नाउ क्वेश्चन ये है कि ऐसा बीटा ब्लॉकर भी बताए, ठीक है, विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीटा ब्लॉकर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा. किसमें अगर हम यूज करें? ग्लोकोमा. व्हाट इज ग्लोकोमा? ग्लोकोमा इज अ आई डिजीज इन विच द इक्वस ह्यूमर बिकम टू मच विच कैन कंप्रेस द आई. देखे, हमारे आई के अंदर कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वस ह्यूमर. ड्राई आईज आर गुड या वेट आईज? ड्राई आईज आर गुड या वेट आईज आर गुड? वेट आईज, क्योंकि ड्राई आईज के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस तो ज्यादा होते हैं. इस आई की जो वेटनेस है या जो चीज है जिस आई को वेट रखती है, दैट इज एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेरी बॉडी. लेकिन एक्वस ह्यूमर की अपनी एक लिमिट है, जितना वो प्रोड्यूस होगी उतना वो उस सिस्टम के थ्रू इस तरफ बहकर नेक्स्ट साइड पे भी निकलेगी. अगर यह तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए या एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज कम हो जाए, दोनों कंडीशन में इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर बढ़ने के चांसेस तो ज्यादा होते हैं. इस आई के अंदर हम प्रेशर मेजर करते हैं एक मशीन से, उसको हम टोनोमीटर कहते हैं. और आई के अंदर प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इंट्राऑक्युलर प्रेशर, विच इज नॉर्मली 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इस आई के अंदर एक्वस ह्यूमर का नॉर्मल क्या होता है? प्रेशर. अगर मेरे खुद अपने कजन का बेटा है, उसको कंजेनिटल ग्लोकोमा है, ठीक है, ये अलशिफा आई ट्रस्ट अस्पताल है ना, उधर से वो ट्रीटमेंट कर रहा है. अगर हम टोनोमीटर पे देखें और एक बच्चे की इंट्राकुलर प्रेशर 30 हो, तो इसका मतलब कि एक्वस ह्यूमर या तो बियॉन्ड द लिमिट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और या नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसकी ड्रेनेज क्या है? वो कम है. ये मैं ऑप्थाल्मोलॉजी में डिस्कस करूँगा. ग्लोकोमा के दो टाइप्स है, ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा. ये मैं आप लोगों को ऑप्थाल्मोलॉजी में डिस्कस. लेकिन ग्लोकोमा इज अ आई डिजीज इन विच आइदर द एक्वस ह्यूमर इज टू मच प्रोड्यूस या देयर ड्रेनेज बिकम वेरी वेरी डिक्रीज. तो अगर एक्वस ह्यूमर आई के अंदर रिटेन हो जाए, तो इस आई को बाहर की तरफ पुश करके देयर विल बी बल्जिंग ऑफ द आईज एंड द इंट्राऑक्युलर प्रेशर विल एक्सीड मोर देन 20. तो किस लोगों में 22-20 डिपेंडिंग अपॉन द एक्वस ह्यूमर आई ओपी विल बी रेज. जब ये रेज हो जाएगी तो आप लोग मुझे ये बताए, क्वेश्चन ये है कि आई के अंदर बीटा रिसेप्टर होते हैं, बीटा, और बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट करने से एक्वस ह्यूमर की मजीद प्रोडक्शन बढ़ जाती है. तो अगर हम ऐसा मेडिसिन दे दें जिस पर हम बीटा ब्लॉक करें, तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम. जब वो कम हो जाएगी, इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम हो जाएगा और आई की जो बल्जिंग है वो भी कम हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन ये है, ऐसा बीटा ब्लॉकर बताए विच इज मोस्ट कॉमनली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर. आंसर इज टीमोलोल. ये हमारे पास कौन सा है? टीमोलोल. और ये क्वेश्चन हर साल आता है, और बाई चांस आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन पहले जब उसके घर में गया और उसने बच्चा दिखाया, मैंने कहा ये ग्लोकोमा होगा. और जब मैंने सारी चीजें देखी, वो ग्लोकोमा भी थे और उसको जो ड्राप्स दिए है ना, दैट इज टीमोलोल. वो टीमोलोल थे. और कहते हैं कि जब से ये ड्राप्स 1 महीना हुआ है यूज कर रहे, उसकी बल्जिंग 2 से 3 गुना क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है. तो मतलब ये है कहने का कि ग्लोकोमा को तो मैं आप लोगों को ऑप्थाल्मोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये याद रखे कि आई के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है जिसको हम फ्लूइड कहते हैं. ये फ्लूइड नॉर्मली प्रोड्यूस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रॉपरली आम बंदे में ड्रेन भी होती है. अब उस पर नहीं जाता क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर है. लेकिन जब एक्वस ह्यूमर की अब प्रोडक्शन कम हो जाए या इसकी ड्रेनेज थोड़ा बहुत क्या हो जाए, शाबाश, कम हो जाए, तो इससे एक्वस ह्यूमर की जो बिल्डअप है वो बढ़ जाती है, जिससे इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो बच्चे की जो आई है वो बाहर की तरफ आती है,
ऑप्टिक नर्व कंप्रेस करके ब्लरिंग और फ्यूजन करा सकता है, ये सारे सिम्टम। तो ऐसा बीटा ब्लॉकर जो ग्लोकोमा के अंदर हम यूज करते हैं टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर कैंसर इज टीमोलोल, और टीमोलोल आई ड्रॉप्स की शक्ल में आती है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन ये है, अनदर थिंग इज के बीटा ब्लॉकर, ये हमारे पास ऐसा बीटा ब्लॉकर बताए जिसको हम कहते हैं, ये सारे के सारे जितने भी ड्रग हैं, दीज आर ड्रग्स एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर्स, लेकिन इनमें से एक ऐसा ड्रग भी है जो बीटा के साथ साथ किस रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकता है, अल्फा। यहाँ पे एमसीक्यू लेके, नेम द बीटा ब्लॉकर्स विच हैव द टेंडेंसी एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स आल्सो। ये तो आप लोगों को पता है के सारे बीटा ब्लॉकर है, लेकिन बुक वाले कहते हैं कि बीटा ब्लॉकर में से ऐसे ड्रग्स भी है जो बीटा ब्लॉक करने के साथ साथ किस पे भी काम कर सकते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स पे। हाँ जी, नंबर वन इज लेबिटालोल, मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, लेबिटालोल, अनदर इज कार्बिडोलोल। ये एमसीक्यूज है दोनों, मतलब लेबिटालोल और कार्बिडोलोल ये ऐसे बीटे ब्लॉकर है जो बीटा ब्लॉक करने के साथ साथ किसको भी ब्लॉक कर सकता है, अल्फा रिसेप्टर्स को, और ये सारे एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप लोग कहोगे कि इसमें एमसीक्यूज क्या आएंगे, वो आप लोगों को इन दो में से एक देंगे, और वो कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैव द कैपेबिलिटी टू एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर आल्सो। तो ए बी सी डी ऑप्शन में या कार्बिडोलोल होगा या क्या होगा, लेबिटालोल होगा। लेकिन जितने पेपर पीएमडीसी में हुए हैं नाम्स में, उनमें से वो कौन सा पूछते हैं, लेबिटालोल। तो देखिए लेबिटालोल में बी आता है, बी का मतलब है कि दिस ड्रग हैज बोथ रिसेप्टर एक्टिविटी बीटा एंड अल्फा, इस तरह याद रखें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जनाब, बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, बीटा ब्लॉकर ओवरडोज शुड बी रिवर्स बाई, अगर एक बंदा है उसने बीटा ब्लॉकर की गोलियां बहुत ज्यादा खाई है और उसको जनाब इसकी पॉइजनिंग हुई है, तो उसको हम कैसे रिवर्स करेंगे। एक क्वेश्चन याद रखें कि बीटा ब्लॉकर कैन काज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया, एंड हाइपोग्लाइसीमिया कैन किल द पेशेंट। तो हम उस हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए बाहर से ऐसा ओवरडोज कंडीशन में ऐसा एंटीडोट देंगे जिससे हम ग्लूकोज को क्या कर सकें, बढ़ा सके। तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, ग्लूकोज को कम करना, ग्लूकागन हार्मोन का क्या है, बढ़ाना। तो याद रखें द एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज आंसर इज ग्लूकागन, इसमें ग्लूकागन है। तो ग्लूकागन इज अ हार्मोन विच विल एलिवेट ग्लूकोज लेवल, और बीटा ब्लॉकर से ग्लूकोज लेवल क्या हो सकती है, कम हो सकती है। यह क्वेश्चन जरूर याद रखें कि बीटा ब्लॉकर कैन बी यूज ग्लूकागन कैन बी यूज इज द एंटीडोट ऑफ बीटा ब्लॉकर। व्हाट इज एंटीडोट, हर वो चीज जो किसी चीज की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करे उसको हम क्या कहते हैं, एंटीडोट। याद रखें अगर एक बंदा है उसने बहुत से बीटा ब्लॉकर लिए है, उस बीटा ब्लॉकर की वजह से बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा है और उसका ग्लूकोज लेवल बहुत क्या हो चुके हैं, कम, तो उस ग्लूकोज लेवल को दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए हम बाहर से क्या देंगे, ग्लूकागन देंगे। क्लियर है, ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एमसीक्यू सुन ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर शुड बी यूज बिफोर द सर्जरी फॉर शॉर्ट एक्टिंग एस्मोलोल, विच बीटा ब्लॉकर स्पेशली एक्सासर्बेट सीओपीडी, आंसर इज प्रोप्रानोलोल। और इसके बाद याद रखे विच बीटा ब्लॉकर कैन कॉज डिसलिपिडेमिया, मेटोप्रोलोल, विच बीटा ब्लॉकर मे बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा टू डिक्रीज एक्वस ह्यूमर, टीमोलोल, विच टू बीटा ब्लॉकर हैव आल्सो अल्फा एक्टिविटी, लेबिटालोल एंड कार्बिडोलोल, और बीटा ब्लॉकर ओवरडोज शुड बी रिवर्स बाय ग्लूकागन। क्लियर है, तो ये जनाब मेन पॉइंट्स है। अब इसके बाद हम आते हैं क्लास वन क्लास थ्री, हमने दो क्लास पढ़े एंटीरिथमिक में, एक क्लास वन और एक क्लास टू। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन टू ट्रीट एरिथमियाज इज क्लास थ्री फैमिली। तो नेक्स्ट देखिए क्लास थ्री,
क्लास थ्री। ओके, क्लास थ्री मेडिसिन का मतलब यह है कि दीज आर आल्सो नोन एज पोटासियम चैनल ब्लॉकर्स। इनको हम क्या कहते हैं? पोटासियम चैनल ब्लॉकर। दीज एजेंट्स आर पोटासियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है जी, क्लास थ्री जो ग्रुप है क्लास थ्री, इनको हम इकट्ठा क्या कहते हैं? पोटासियम चैनल ब्लॉकर। इसके अंदर द फर्स्ट मेडिसिन इज अमायोडेरोन। अमायोडेरोन, अमायोडेरोन। नेक्स्ट आई ब्यूटिलाइट, आई ब्यूटिलाइट। नेक्स्ट इज डोफिटलाइट, एंड फोर्थ इज सोटालोल। ये एमसीक्यूज आता है। ओल जिसमें आता है ना, उसको हम क्या कहते थे? बीटा ब्लॉकर। मेटोप्रोलोल, कार्बिडोलोल, प्रोप्रानोलोल, वो सारे के सारे कौन से ब्लॉकर थे? बीटा ब्लॉकर। और उसकी फैमिली कौन सी थी? क्लास टू। अब ये पोटासियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन इसकी फैमिली कौन सी है? क्लास थ्री। दिस सोटालोल इज अ बीटा ब्लॉकर, बट इट आल्सो हैव द इफेक्ट ऑन विच चैनल? पोटासियम चैनल। तो ऐसा बीटा ब्लॉकर बताए जो पोटासियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है। आंसर इज सोटालोल। वो सोटालोल, इस मीन इट इज अ स्ट्रॉन्गर बीटा ब्लॉकर विच हैव द कैपेबिलिटी टू ब्लॉक पोटासियम चैनल आल्सो। इधर देखें, अगर हम हार्ट के अंदर एक्टिविटी को करना चाहे तो एक्शन पोटेंशियल जल्दी जल्दी आना चाहिए या बाद बाद में? इस तरह एक्टिविटी या रिदम ऑफ द हार्ट अगर बढ़ जाए या इरेगुलर हो जाए, जिसको एरिथमिया कहते हैं, तो उसमें एक्शन एक्शन पोटेंशियल जल्दी जल्दी होना चाहिए ताकि हार्ट रिदम क्या हो जाए? इरेगुलर हो जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, हम ये इस तरह करें, लेकिन ये रीपोलराइजेशन है ना, दिस रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटाशियम ई फ्लक्स। किस वजह से है? पोटाशियम ई फ्लक्स। अब ये डीपोलराइजेशन ड्यू टू सोडियम एन फ्लक्स। तो अगर डीपोलराइजेशन हो जाए और रीपोलराइजेशन होगा तो नेक्स्ट डीपोलराइजेशन आएगा ना। अगर हम ऐसा करें कि नॉर्मली इस पोटासियम चैनल को हम क्या करें? ब्लॉक करें, तो पोटासियम बाहर ज्यादा निकलेंगे या आहिस्ता आहिस्ता? आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, तो हम रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करेंगे, इसका टाइम ज्यादा करेंगे, तो नेक्स्ट डीपोलराइजेशन आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक्टिविटी हार्ट के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एरिथमियास को हम कम, एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए या तो सोडियम इनफ्लक्स को कम करें ताकि डीपोलराइजेशन स्लोप कम हो जाए, या इस पोटासियम इनफ्लक्स के साथ कुछ करें ताकि इसका टाइम क्या हो जाए? बढ़ जाए। लेकिन एनी हाउ हार्ट के अंदर एक्टिविटी को हम क्या कर सकें? कम कर सकें। लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, टू प्रोलॉन्ग द रीपोलराइजेशन स्टेप इन द एक्शन पोटेंशियल। नाउ क्वेश्चन ये है, तो देखिए अगर हम इसको पोटासियम चैनल को ब्लॉक करके ये इस तरह लंबा करें तो एक्शन पोटेंशियल का जो दोहरानिया है वो ज्यादा हो गया कम? तो दीज ड्रग इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो दूसरे एक्शन पोटेंशियल आने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हार्ट की रेट क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि व्हाट इज द बीटा ब्लॉकर विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? पोटासियम चैनल ब्लॉकर। आंसर इज सोटालोल। एक एमसीक्यूज है कि बीटा ब्लॉकर बताए जो पोटासियम चैनल ब्लॉकर का काम भी करता है। नेक्स्ट इज एस एंटी एरिथमिक मेडिकेशन विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस। जो क्या कर सके मसूद? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मीन डेथ ऑफ द सेल। अगर सेल डेड होकर खत्म हो जाए दैट इज कॉल्ड ऑफ फाइब्रोसिस। पल्मोनरी मीन लंग्स। ऐसा एंटी एरिथमिक ड्रग जो लंग्स के अंदर सेल की एल्विओलाई की क्या कर सकता है? फाइब्रोसिस। ठीक है, ओके, गुड क्वेश्चन। नेक्रोसिस मीन के अभी न्यूली सेल डेथ। फाइब्रोसिस मीन के बहुत टाइम से सेल डेड भी हो चुके हैं और विद द टाइम अब वो गिर रहे, खत्म हो रहे हैं। फाइब्रोस मीन के बिल्कुल उसके अंदर जो कलर है ना वो भी चेंजेस आ चुकी है, मतलब टाइम उस पर ज्यादा गुजरा है। नेक्रोसिस वेरी रिसेंटली सेल डेथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा ड्रग भी है इज एंटी रिदमिक जो थायराइड हार्मोन कम भी कर सकते हैं और थायराइड हार्मोन ज्यादा भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन याद रखे, ऐसा एंटी एरिथमिक मेडिकेशन जो हाइपर और हाइपोथायरायडिज्म दोनों कर सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म मीन अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज T3 एंड T4, और हाइपर का मतलब क्या है? इंक्रीज T3 T4। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
ऐसा ब्यूटा ब्लॉकर जो कॉर्नियल डिपॉजिट करता है, क्या करता है? कॉर्नियल डिपॉजिट मीन कि दे कैन डिपॉजिट एबनॉर्मल मटेरियल ऑन द कॉर्निया। कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ द आई, और इस वजह से क्या कर सकता है? ब्लरिंग ऑफ विजन। अब बताए अगर आप लोगों को ये बातें आ गए ना, इनमें से कोई भी एक ऐसा एंटी एरिथमिक मेडिकेशन बताए जिससे किसका रिस्क बढ़ सकता हो? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ऐसा एंटी एरिथमिक मेडिकेशन कि वो कभी कभार T3 T4 को कम भी कर सकता है, तो कभी कभार T3 T4 को बढ़ा भी सकता है, और ऐसा मेडिसिन जिससे कॉर्निया के ऊपर डिपोजिशन हो जाए और बंदे को क्या हो जाए? ब्लरिंग ऑफ विजन। तो दीज ऑल सिम्टम्स आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ अमायोडेरोन। ये MCQs है। अमायोडेरोन इज अ ड्रग विच के लीड्स टू ऑल दिस कंडीशन। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ अमायोडेरोन। हाइपर हाइपोथायरॉयडिज्म, इट इज अमायोडेरोन। एंड कॉर्नियल डिपोजिट्स विच लीड टू ब्लू ग्रे स्किन डिपोजिट, जी इसके अंदर पर एबनॉर्मल मटीरियल, लेकिन इसका कोई इस तरह मतलब ये डिपोजिशन कराता है। एक्ट इज अ हेप्टीन। हेप्टीन इज अ कंपोनेंट विच कैन डिपोजिट ऑन द कॉर्निया विच लीड टू ब्लरिंग ऑफ द विजन। लेकिन ये और इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द अर्लीस्ट साइड इफेक्ट ऑफ अमायोडेरोन, आंसर इज कॉर्नियल डिपोजिशन। याद रखिए अर्लीस्ट है, फिर बाद में जनाब हाइपो या हाइपर है, और लास्ट क्या है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, वो बहुत लास्ट में आते हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस को होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये टाइम लगाएगा, क्लियर है। और इसके साथ एक और भी हेयर ऐड करें, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ व्हाट? हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये क्या करा सकता है? हेपेटोटॉक्सिसिटी। सो हेपेटोटॉक्सिसिटी मीन डैमेजिंग टू लीवर, कॉर्नियल डिपोजिट, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म प्लस पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारे के सारे किस चीज के साइड इफेक्ट है? आंसर इज अमायोडेरोन। इनमें से अर्लीस्ट कौन सा साइड इफेक्ट है? कॉर्नियल डिपोजिट विच लीड टू ब्लरिंग ऑफ विजन। देयरफॉर और लास्ट रन में इट कैन डैमेज द किडनी एज वेल। ये क्या करा सकता है? किडनी, लेकिन नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो देखें इसका लीवर पे असर है कि नहीं। तो इस अमायोडेरोन को देने से पहले वी हैव टू गो फॉर LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ताकि हमें पता चले कि लीवर इज ओके टू फिट फॉर अमायोडेरोन आर नॉट। अगर पहले से हेपेटाइटिस बी सी का बंदा है, उसमें हम या तो अमायोडेरोन नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो उसकी डोजेस हम बहुत से कम करेंगे। इट हैज इफेक्ट ऑन थायराइड स्टेटस, इट कैन कॉज हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म। T3 T4 हार्मोन की जो बेसिक कंपोनेंट है ना, इट इज आयोडीन। हम कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोडीन, टेट्रा आयोडीन इज देयर शुड बी फॉर थायराइड। दिस अमायोडेरोन इटसेल्फ कंटेन आयोडीन, इसके अंदर आयोडीन होता है। तो कभी कभार वो आयोडीन सप्रेस होकर T3 T4 को काम करेगा, कभी एक्टिवेट होकर T3 T4 को बढ़ाएगा। तो दिस अमायोडेरोन इटसेल्फ हैविंग आयोडीन कंपोनेंट, therefore it can cause hyper or hypothyroidism. So we have to do TFT, thyroid function test. Thyroid function test भी कर सकते हैं। और इसका lungs पे कोई असर है कि नहीं? Lungs, because it can cause pulmonary fibrosis. तो इसके लिए pulmonary function test, ये तीन test याद रखें। तो देखिए LFT is liver function test. We have to do this before giving amiodarone to prevent hepatotoxicity. और हम TFT करेंगे अगर पहले से पेशेंट थायराइड स्टेटस का मसला है, हाइपर हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें अमायोडेरोन के साइड इफेक्ट चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। तो हम TFT याद रखें, हाइपर हाइपो के लिए पहले करते हैं, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस की रिस्क की वजह से हम पहले क्या करते हैं? आंसर इज PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो याद रखें ये क्लास 3 फैमिली है, एंड दीज ड्रग्स आर कंसिडर्ड एज एड्स। एड्स का मतलब यह है, ए स्टैंड फॉर अमायोडेरोन, आई मीन आई ब्यूटिलाइट, डोफिटालाइट एंड सोटालोन। याद रखें ये चार ड्रग है, ए स्टैंड फॉर अमायोडेरोन, आई स्टैंड फॉर आई ब्यूटिलाइट, डी मीन डोफिटालाइट और एस मीन सोटालोन। तो ये चार ड्रग आएंगे और ये चार याद रख लेने हैं, ये दोनों करा सकते हैं। कभी कभार ये हम देंगे तो मिस्टेकनली थायराइड कहता है कि भाई आयोडीन बाहर से आया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? आयोडीन। वो कहते हैं कि आयोडीन आया है और पहले से T3 T4 बहुत क्या है? ज्यादा है, तो अपना T3 T4 क्या कर देते हैं? काम कर देते हैं। और कभी कभार जब ये हम देते हैं तो उसमें आयोडीन होता है, तो वो कहते हैं बाहर से आयोडीन इसलिए आया है ताकि हम T3 T4 क्या कर सके? बढ़ा सके। तो
जिस अमायोडिरोन हैज आयोडीन कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट और उस आयोडीन को देखकर थायराइड कभी कभार मिस्टेकनली ये सोचता है कि T3 T4 को मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए और कभी कभार ये सोचता है कि इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द थायराइड मिस्टेकनली कभी कभार वो हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है या हाइपर में, लेकिन दीज ऑल फीचर्स आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ अमायोडिरोन। तो इस फैमिली के अंदर अगर आप लोगों ने एग्जाम पर्पस के लिए कोई भी एक ड्रग भी याद रखना हो वो क्या होगा, अमायोडिरोन, क्योंकि अमायोडिरोन के सारे सिम्टम्स है। लेकिन एज अ बीटा ब्लॉकर जो पोटासियम चैनल ब्लॉकर भी है, इट इज अ सोटालोल। अब लिखे क्लास 4 द लास्ट वन, के क्लास 4 फैमिली के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग है। क्लास 4 भाई हमने मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करना है, बस इंक्रीज करना है एरिथमियाज में या डिक्रीज करना है, डिक्रीज। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करने का एक तरीका ये भी है कि हम कैल्शियम चैनल क्या दे दें, ब्लॉक कर देंगे। तो अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, एरिथमियाज ट्रीट होंगे। तो क्लास 4 फैमिली इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आप लोग सही बताए ये सारे के सारे जो फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट है ये फिजियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं कि नहीं, अगर पहले से हम वो ना समझते तो आप लोगों को फिर समझ नहीं आती थी। अब यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब हमने प्रीवियस पढ़ा है उसमें से हमने दोनों फैमिली पढ़े थे, डाइसोपायरिडीन एंड नॉन डाइसोपायरिडीन डाइपायरिमिडीन। तो आप लोग मुझे ये बताए कैल्शियम चैन ब्लॉकर ऐसे भी है जो ब्लड वेसल पे काम करते हैं, कुछ ऐसे है जो सेलेक्टिवली कहाँ पे काम करते हैं, हार्ट में। तो हम हार्ट के हिसाब से देंगे या ब्लड वेसल, तो हम कार्डियो सेलेक्टिव कैल्शियम चैन ब्लॉकर देंगे विच इज वेरापामिल, याद है कि नहीं, वेरापामिल एंड डेल्टियाजम। मैंने बताया था डेल्टियाजम हैज अ ड्यूअल एक्टिविटी बट मोस्ट कॉमनली इट एक्ट ऑन द हार्ट, और वेरापामिल स्टार्ट फ्रॉम वी, इट इज प्योरली एक्ट ऑन वेंट्रिकल्स, ये किस पे काम करता है, वेंट्रिकल पे। तो अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ड्यू टू दीज मेडिसिन मैकेनिज्म, सुन ले, इट कैन डिक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी। तो डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी से हार्ट रेट सब कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी साइड इफेक्ट तरफ देखे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये हार्ट पे भी काम करते हैं, लेकिन हार्ट पे काम करने के बाद जब ये ब्लड के थ्रू डिफ्यूज होते हैं अदर एरियाज पे भी थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो कैल्शियम अगर जीआईटी में सेल को कॉन्ट्रैक्ट रखे तो इट विल डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ द जीआईटी, तो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, ये क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, फ्लशिंग करा सकता है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉक की वजह से वेजो क्या होगी, डायलेशन, कॉन्स्टिपेशन, और उस डायलेशन की वजह से एक्सेस फ्लूइड विल बी लीक आउटसाइड फ्रॉम द वेसल, इट कैन लीड टू एडिमा, ये एडिमा भी करा सकता है। So these are the main medicine that you people should know for the anti-arrhythmic medication. अब यहाँ पहले के एक और MCQ question. The drug of choice used for supraventricular tachycardia is a type of arrhythmia. और इसको हम simply क्या कहते हैं, SVT. सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया इज, आंसर इज एडीनोसिन। वो कौन सा ड्रग है, एडीनोसिन। एडीनोसिन इज अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एरिथमियाज एंड इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिथमिया, आंसर इज SVT, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया। इसकी एक्टिंग बहुत शॉर्ट है, अबाउट 15 सेकंड, कितना 15 सेकंड। अब देखे ये भी पोटेशियम इफ्लक्स को बढ़ाएगा, और जितना पोटेशियम ज्यादा टाइम तक बाहर निकलेगा तो वो दोबारा एक्शन पोटेंशियल में फिर ज्यादा टाइम लेगा, दैट कैन कॉज हाइपरपोलराइजेशन बाय इंक्रीजिंग पोटेशियम इफ्लक्स। तो सिर्फ ये क्वेश्चन आता है MDC में कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर SVT, आंसर इज एडीनोसिन। अगर आप लोगों ने मुझे ये पूछा कि सर इट इज प्रेजेंट इन विच क्लास, क्लास 1, 2, 3, और 4, सो दिस एडीनोसिन इज क्लासिफाइड इज नथिंग इन, सॉरी, दिस एडीनोसिन इज नॉट क्लासिफाइड इन एनी क्लास, दिस इज कॉल्ड अदर एंटीरिथमिक, ये क्लास के अंदर नहीं आता, क्लियर है, ये किसी भी क्लास में नहीं आता। तो आप देखें एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कितनी क्लासेस के ड्रग है, 4, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 मेडिसिन जो थे वो सोडियम चैनल ब्लॉकर थे,
क्लास टू के जो मेडिसिन थे वो बीटा ब्लॉकर थे, क्लास थ्री वाज पोटाशियम चैनल ब्लॉकर और क्लास फोर इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन क्लास वन के अंदर हमने फिर सब डिवीजन की थी, क्लास वन ए, क्लास वन बी एंड क्लास वन सी। और मैंने आप लोगों को बताया था कम से कम इस एंटीएसिडिक ड्रग से मैंने आप लोगों को 15 से 20 एमसीक्यूज बताए जिनमें से पांच चीज जरूर पूछेंगे। व्हिच एंटीएसिडिक ड्रग कैन कॉज एसिडी लाइक सिम्टम प्रोकेनामाइड, व्हिच ड्रग कैन कॉज सिंकोनिज्म क्विनिडीन, व्हिच ड्रग यूज फॉर एरिथमिया व्हिच इज आल्सो यूज फॉर सीजर एनी टाइम, व्हिच ड्रग बेस्ट फॉर पोस्ट एमआई एरिथमिया क्लास 1 बी, व्हिच इज कॉन्ट्राइंडिकेट क्लास 1 सी, व्हिच बीटा ब्लॉकर हैव पोटेशियम चेन इफेक्ट सोटालोल, पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ अमायोडेरोन। ओके, व्हिच बीटा ब्लॉकर इज अ वेरी शॉर्ट एक्टिंग एस्मोलोल, व्हिच बीटा ब्लॉकर कैन कॉज डिसलिपिडेमिया मेटोप्रोलोल, व्हिच बीटा ब्लॉकर कैन वर्सन सीओपीडी, आंसर इज प्रोप्रानोलोल, व्हिच बीटा ब्लॉकर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, आंसर इज टीमोलोल, एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसवीटी, आंसर इज एडीनोसिन। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख ले, उसको आप थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट दे दे पहले वाला।